सो दोस्तों फाइनली यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है आरती की थाली, तो अब मैं इसकी पूजा करूँगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। और आज है 5 अक्टूबर, दशहरे का दिन। तो सबसे पहले सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। दोस्तों आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा कि हम रूरल्स एरिया में, मतलब गांव में, दशहरा कैसे सेलिब्रेट करते। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घर में जो क्या होता है, जो औजार होते हैं लोहे के, वो सभी कलेक्ट करके उसे उसकी पूजा की जाती है। तो चलिए उस औजार को मैं कलेक्ट करता हूँ और आपसे मिलता हूँ बाद में। A few moments later. तो पूरा घर छान मारने के बाद मुझे कुछ इतनी चीज़ें मिली है लोहे की। यह है 4 कुल्हाड़, 3 कुल्हाड़ी और एक खुरपा, जिसे मराठी में कहते हैं। यह प्रेस, 4 चीजल, 2 कैचिया और वो कल्टीवेटर होता है वो किसान का, उसका वो एक तला फास बनता है मराठी। तो कुछ इस तरह चीज़ें हैं। तो इसे मैं अभी पानी में धोऊंगा, ये बकेट में, उस बकेट में पानी है, उससे धोऊंगा और इसकी पूजा करूंगा। दोस्तों मेरे पास कुछ इतने सामान है, लेकिन कहने के तो घर में बहुत सारे सामान है, लेकिन फिलहाल इसी से काम चलाते हैं। A few moments later. सभी चीज़ें मैंने धोई है और मानो लगता है ऐसा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें इस तरह रखी है कि यहाँ पर स्टॉल, मतलब ये चीज़ें बेचने के लिए रखी गई हो। और सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर 6 चीजल्स, 2 कैचिया और एक चीजल जिसे हम सब्जी काटने में यूज़ करती है, मराठी में उसे पावशी कहते हैं, प्रेस, और उसमें प्रेस पर रखने के लिए वो सर्कल की पट्टी, और उसे ये पायली और बाकी की कुलाड़ी, और वो एक फास है कल्टीवेटर के लिए, किसान का कल्टीवेटर उसके लिए, और उसमें एक है खुरपा, मराठी में कहते हैं उसे, और ये बकेट, बकेट का पानी ख़त्म हो गया और ये पानी वहाँ से बहता चला, पानी ये बहकर दूसरों के आंगन में और रोड में चला गया। तो उसे मुझे ही साफ करना होगा उस पानी को। दोस्तों अभी इसकी पूजा हो गई है, तो अब हम कहते हैं इसे, मतलब सॉरी, इसको धोना हो गया, ने इसे स्टॉल की तरह रखा है, अब इसकी पूजा करते हैं। A few moments later. तो दोस्तों मैंने ये आरती की थाली सजाई है, यहाँ पर माचिस की डब्बी, कुछ फूल, उनके प्रॉपर नाम नहीं पता, कपूर, एक दिया जलाया है, 2 अगरबत्तियाँ, और साथ में उस डब्बी में, ये वाले डब्बी में सिंदूर और हल्दी है। सिंदूर तो हमें नहीं मिला, उसके बदले रिप्लेस में मैंने उस एक डब्बी में गुलाल लिया है, तो उसी से हम पूजा करते हैं। तो अभी हम बाहर की तरफ जाएंगे। आरती लेकर तो यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ज़्यादा, यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इस आरती के थाली को रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो मैं पहले इस जगह इसको खाली करता हूँ, मतलब चीज़ें एडजस्ट करता हूँ। सो दोस्तों फाइनली यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है आरती की थाली, तो अब मैं इसकी पूजा करूँगा। सो हमारी फाइनली पूजा हो चुकी है, तो अभी मैं इसे कपूर को जलाऊंगा, ये आखिरी बचा था। दोस्तों कुछ इस तरह करते हैं दशहरा मेरे गांव में। A few moments later. तो दोस्तों सुबह आपको आरती के समय में मिला था, अभी तो शाम हो चुकी है और अभी हम खेत में हैं। ये देखो मेरे पीछे आशीष भाई, और आपको बता दूं दोस्तों कि आज हम आपको आप सोच रहे हो कि दशहरे के दिन खेत में क्यों टहल रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम सोना लाने जा रहे हैं सोना मतलब वो सोना नहीं, असली वाला, वो पूजा के लिए होता है ना, वो वाला सोना। तो अभी हम जा रहे हैं सोना लाने के लिए। मराठी में उस पेड़ को शहारा कहते हैं, उसे लाएंगे, और पीछे खेत के पहले ही, मतलब खेत के बाउंड्री पर, वहाँ पर अभी हम पीछे गए, वहाँ पर ये वो है मका, मतलब मका नहीं, सॉरी सॉरी, ज्वारी, उसकी फसल है, और उसके पत्ते लाएंगे और दोनों को मिक्स करके, शहरा और ज्वारी को मिक्स करते हैं,
बनता है सोना। तो दोस्तों वही लाने हम जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, नए हो तो सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे पीछे आशीष भाई है, ये देखो हम दोनों भी जा रहे हैं। पूरे बादल मतलब आसमान काला काला हो चुका है, मतलब बारिश डेफिनेटली एक तो बूंद आज गिरेगी ही गिरेगी, और आपको बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रही होगी। तो चलिए जाते हैं सोना लाने। तो दोस्तों हम खेत के बाउंड्री पर पहुंच गए, तो ये वो पेड़ है जिसे दशहरे का सोना कहते हैं। तो कितना तोड़ेंगे ये पता नहीं, लेकिन ये पेड़ भी बहुत छोटा है, तो थोड़ा थोड़ा ही लेके जाएंगे हम। तो दोस्तों ये रहा सोना, फाइनली मैंने और आशीष भाई ने ले लिया है। तो इसके साथ दूसरा मतलब ज्वार रही थी ना, ज्वारी उसके पत्ते लेंगे, और उन दोनों को मिलाकर बनता है दोस्तों सोना, यानी कि दशहरे का गोल्ड। ओके, तो आप सोना मैं कहूँगा तो आप मत समझिएगा कि असली सोना। दोस्तों आपको पता ही है हमारी फेस्टिवल और हमारे रीति रिवाज कैसे होते हैं, तो इसलिए दशहरे का सोना इसे ही कहते हैं। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वो दूसरा वाला मतलब ज्वार के पत्ते लेने, और दोनों को मिलाकर सोना बनता है। और दशहरे के दिन दोस्तों इस सोने को माता दुर्गा रानी के पास रखा जाता है, दूसरों को दिया जाता है, और एक दूसरे को हम पारंपरिक तरीके से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो आज दशहरा मतलब अच्छाई का बुराई पर विजय। तो दोस्तों विजयादशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं परे दिल से मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। तो दोस्तों अभी हम लेने जा रहे हैं दूसरा वाला सोना मतलब ज्वार के पत्ते। ये है आगे आशीष भाई, और आप जो दिख रहे हैं पानी की टाकी वो मेरे ही गाँव के आशीष भाई आगे जा रहा है। तो ये रहा दोस्तों दूसरा वाला सोना मतलब ज्वार के पत्ते, तो इसे हम लेते हैं। उधर एक तरफ आशीष भाई भी तोड़ रहा है और एक तरफ मैं हूँ। दोस्तों हमारे इंडियन फेस्टिवल भी कुछ तरह तरह के होते हैं। ये देखो नीचे है ज्वार के पत्ते, इसे तोड़कर बनता है दशहरे का सोना। तो मैंने ले लिए, अब जाएंगे हम घर। तो हमने दोस्तों ये ले लिया सोना, अब लेकर हम घर जा रहे हैं साथ में आशीष भाई। तो दोस्तों सोना लेकर सीधा मैं पहुंच गया घर, और अभी माँ को बोल दिया, पिताजी भी थे, माँ को बोल दिया कि मेरी आरती करूँ। मतलब दोस्तों हमारे यहाँ ट्रेडिशन ही कुछ ऐसा है कि जब भी हम दशहरे के दिन बाहर से सोना लेकर आते हैं, तो उस समय सोना लेकर आने वाले इंसान की मतलब उस व्यक्ति की घर में पूजा की जाती है। तो अभी मैं पीछे खड़ा हूँ और माँ पीछे से आ रही है, तो वो आरती की तैयारी कर रहे हैं, और ये बहन भी है। मक्खिया डिस्टर्ब कर रही है, तो अभी मेरी पूजा होगी और बाद में मैं सोना लेके अंदर जो पहले वाले सुबह जो चीज़ें थे वो उसके पास पूजा रखी है उस पर रख दूंगा। सो मेरी पूजा हो चुकी है, आरती की है मेरी, और देखो यहाँ पर मस्तक पर उसे अक्षदा कहते हैं मराठी में, वो लगाया है माँ ने। तो अभी मैं घर में एंटर करूँगा और आपको दिखाऊंगा घर में कैसी पूजा रखी हुई है। तो दोस्तों कुछ इस तरह रखी है पूजा, और ये है अक्षदा, और ये दिया, ये नैवेद्य अगरबत्ती, और ये है बकरा। हम तो रावण दहन नहीं करते, लेकिन इसे बकरे के रूप में बलि देते हैं। ये कद्दू है पम्पकिन, और ये देखो सुबह ही आपने वो औजार देखे थे वो सभी है, और ये मैंने सोना रखा है। कुछ इस तरह है मेरा घर, और पीछे दोस्तों आपको गीला गीला दिख रहा है, वो वेटने से मतलब वो वेट हो गया है पूरा दीवार मिट्टी के पानी की वजह से। तो अभी हम पूजा करेंगे। A few moments later. मेरी पूजा हो चुकी है, अब पिताजी कर रहे हैं,
और माँ मेरे बगल में बैठे हुए। तो दोस्तों कुछ इस तरह होता है दशहरा रूलर्स एरिया में, हमारे गांव में, मतलब हमारे यहाँ हम इस तरह कहते हैं। A few moments later. तो दोस्तों मैंने माता और पिताजी का आशीर्वाद ले लिया है और पूजा भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब खाना सिर्फ बचा है। तो दोस्तों इस तरह होता है हमारे यहाँ दशहरा सेलिब्रेशन। तो फाइनली आपको यह कहूँगा कि दशहरे का मतलब बुराई का अच्छा सॉरी अच्छाई का बुराई पर विजय। तो दोस्तों नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आपको फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और मिलेंगे कुछ जल्दी। तो देखते रहिए मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए, इंतज़ार करें, और आप सभी के दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।